चुनावी सभाओं में नेताओं के बिगड़े बोल। ओशिया विधायक दिव्या मदेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल दोनों आमने सामने। दिव्या मदेना ने कहा कि बोतल को कुएं में फेंक दो, वहीं हनुमान बेनीवाल ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण से पहले हुए प्रसार के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और ओशिया विधायक दिव्या मदेना के बीच बयानों की तीखे बहाने चले हैं। इन बयानों के साथ साथ स्थानीय नेताओं ने भी बिगड़े बोल बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव प्रसार थमने के एक दिन बाद मंगलवार को इन नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ज्यादातर बयान भोपालगढ़ क्षेत्र में दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिव्या मदेना ने कहा है कि बोतल को कुएं में फेंक दो। बेनीवाल ने कहा कि बोतल कोई बावरी है क्या। चुनाव प्रसार के अंतिम दिन एक सभा में ओशिया विधायक दिव्या मदेना ने रालोपा के चुनाव सिन्हा बोतल को लेकर व्यंग्य किया। उन्होंने नागौर सांसद और रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि मदेना साहब कहते थे कि वोट सही जगह पर देना और निशाने पर देना, नहीं तो कुएं में डाल देना। अब आज लोग समझ लें कि बेनीवाल की पार्टी के लोग न तो कांग्रेस में है और न ही भाजपा में, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी कोई बोतल लेकर नाचता है तो उसे समझा देना कि 90 फीट 11 कुआ है, मिलेगा ही नहीं, बोतल कुएं में डाल दो। वहीं हनुमान बेनीवाल भी पीछे नहीं रहे। इसके बाद हुई एक सभा में उन्होंने दिव्या मदेना की तंज पर कटाक्ष किया। उन्होंने जवाब दिया कि बोले वो आज बोल रहे हैं कि बोतल को गहरे कुएं में डाल दो, ये बोतल भौरी थोड़ी है जो कुएं में डाल दोगे, भौरी को तुमने मारकर नहर में फेंक दिया। गहलोत समर्थक काशीराम बोले अशोक जी का कच्चा बनियान लेकर भाग गए। वहीं आपको बता दें कि गहलोत समर्थक काशीराम है, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत समर्थक जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य काशीराम विष्णु ने कहा कि अशोक जी का कच्चा बनियान लेकर भाग गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ओशिया विधायक दिव्या मदेना को करारा जवाब दिया है। वहीं हनुमान बेनीवाल फिलहाल गुच्छे में है क्योंकि दिव्या मदेना ने इतनी बड़ी बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ कही है, कहीं ना कहीं इसमें हनुमान बेनीवाल एक बार फिर कटाक्ष कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इन दोनों के दरमियान आपका क्या कहना है कि क्या ओशिया विधायक दिव्या मदेना का कहना बिल्कुल सही है या चुनावी सभाओं में जोश जोश में ऐसा क्यों बोल देते हैं। ये थी बड़ी खबर, मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ।